आडमदार फाउंडेशन की तरफ से। इसके अलावा हमारे एक दर्शक राजेश जी हैं, वो भी जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए आईओसी के ऊपर। तो काफ़ी सारे सवाल आए हैं सर आईओसी बीपीसीएल को लेकर के। आज कच्चे तेल की कीमतों में उबाल देखने को मिला है और $75 के क्रॉस गए हैं, उसके चलते हम देख रहे हैं कि सभी शेयरों में ठीक ठाक गिरावट है। आईओसी करीब 4.5% नीचे है, बीपीसीएल पे नज़र डालें तो इसमें भी हम 3.5% के आसपास का करेक्शन देख रहे हैं। वहीं एचपीसीएल पे की अगर बात करें तो यहाँ भी 4% की गिरावट है। इनमें से कोई ऐसा दिखाई दे रहा है आपको जहाँ पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है इस गिरावट में, आईओसी बीपीसीएल और एचपीसीएल के अंदर? देखो, काफी समय पहले मैंने एक लेवल्स दिया था बीपीसीएल के लिए, अगर ये रेंज में आता है 270 से लेके 250, तो ये लेवल उसके लिए क्या हो सकता है, एक बाइंग वाला एरिया हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, जहां से उसने एक फ्रेश रैली स्टार्ट की थी। एग्जैक्टली अगर हम लोग देखेंगे तो 0.5 का एरिया, और साथ साथ मार्केट ने एक छोटा सा गैप छोड़ा है 255 के आसपास, तो 270 से लेके 250 ये रेंज क्या होगा, एक्युमुलेशन का रेंज होगा बीपीसीएल में। 230 एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आता है तो एक बेस्ट बाय होगा। और दूसरा होगा आईओसी। आईओसी में अगर हम लोग देखेंगे तो 135 136 के आसपास अभी ट्रेड करा है, तो यहाँ से थोड़ा सा और करेक्टिव मूवमेंट हमें देखने को मिलता है 120 के आसपास, तो वो एक बढ़िया रेंज होगा इसके लिए, बाइंग के लिए, क्योंकि तो इसने काफी बड़ा वाला कंसोलिडेशन जो था फरवरी से लेके अगर हम लोग देखेंगे अक्टूबर, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने का जो कंसोलिडेशन फेज था उसको मार्केट ने क्या किया, फ्रेश ब्रेकडाउन किया, और साथ साथ फॉलो सेलिंग भी हमें इसमें देखने को मिल गए। तो यहाँ पे क्या करें, नीचे अगर मिलता है 120 के आसपास तो वहां पे लेने की कोशिश करें, अभी कुछ ना करें, जो गिर रहा है उसको गिरने दीजिए, बार बार अपने पोर्टफोलियो को ना देखें, क्योंकि पेन और आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है।